यूट्यूब चैनल पर बहुत ही बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं आप समस्त विद्यार्थियों से निवेदन करता हूं कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करते रहे होंगे और शेयर करते रहे होंगे। तो हम आपको आज इस लेक्चर के माध्यम से यह पढ़ाना प्रारंभ करेंगे जिसमें आप भारत के वन्य जीव एवं संसाधनों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसमें वनों की जानकारी आपको प्राप्त होगी कि भारत में वनों का विस्तार किस प्रकार से है और वनों की क्या महत्वपूर्ण भूमिका है। वनों की महत्वपूर्ण भूमिका इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे पूरे के पूरे भारत में सबसे अधिक मात्रा में वन जीव ही देखने को मिलते हैं जो वन क्षेत्रफल में ही रहते हैं। इसलिए आपको यह जानना जरूरी है कि हमारा जो भारत देश है वह क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से कितने क्षेत्रफल भूमि पर निवास करता है और वन की क्या उपयोगिता है, वन का क्या महत्व है और वन किस तरीके से हमारे जीवन में उपयोगी है। तो सबसे पहले आप जानिए कि भारत देश का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वह है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इस संपूर्ण भूमि पर दो तिहाई मात्रा में यह भूमि देखने को मिलती है, दो तिहाई जल है और शेष भाग पृथ्वी देखने को मिलती है, जिसमें आप मूल रूप से यह जान पाएंगे कि इस भौगोलिक क्षेत्रफल पर पूरा का पूरा जैवमंडल देखने को मिलता है और उस जैवमंडल पर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में, अधिक से अधिक मात्रा में यह देखने को मिलता है कि पारिस्थितिकी तंत्र जैवमंडल है और उस जैवमंडल में पेड़ पौधे वनस्पतियां जीव जंतु जलीय जीव स्थलीय जीव तथा आकाश में उड़ने वाले पक्षी देखने को मिलते हैं। हमारे जीवन में वन का एक अभूतपूर्व योगदान है क्योंकि वन के द्वारा हमें लकड़ियां तथा वनस्पतियां दवाइयां औषधियां एवं अनेकों प्रकार की चीजें ऐसे मिलती हैं जिससे हमारा जीवन भलीभूत होता है। वर्तमान दृष्टिकोण से देखें तो वन बहुत अधिक मात्रा में पृथ्वी पर है, परंतु उसको क्यों काटा जा रहा है और कारण क्या है उसको काटने का। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एक मनुष्य के जीवन के लिए रोटी कपड़ा और मकान की आवश्यकता होती है, जिसमें औद्योगिक केंद्रों की स्थापना के लिए, मकान घर बनाने के लिए तथा खेती बाड़ी करने के लिए वनों को अधिक से अधिक मात्रा में काटा जा रहा है। परंतु वनों को काटने से हमें जो चीजें प्राप्त हो रही हैं उसके अलावा हमारा नुकसान भी हो रहा है जो हमारे जैवमंडल पर प्रभाव डाल रहा है, क्योंकि इसी के कारण हमारा वातावरण दूषित हो रहा है, वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि हो रही है। इसको हम वर्तमान में देख रहे हैं कि प्रत्येक प्रतिवर्ष के हिसाब से 1 से 1.5 की मात्रा में अगर हम बात करें तो टेम्परेचर जो आपका है तापमान में डिग्री सेल्सियस में बढ़ोतरी देखने को मिलती है और यह भूमंडलीय तापमान माना जाता है जो सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस के उत्सर्जन यानी उसकी वृद्धि होने के कारण ऐसा देखने को मिल रहा है और वह एक मूल रूप है जिसमें यह चीजें उत्पन्न हो रही हैं। अगर हम सीएफसी गैस को रोक दें या रासायनिक चीजों को प्रयोग में न लें तो यह चीजें हमारे सामने बहुत कम मात्रा में हो जाएंगी। ग्लेशियर के पिघलने से बहुत अधिक मात्रा में ग्लेशियर पिघल रहे हैं जिससे भूमंडलीय तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और वायुमंडल की यही प्रक्रिया के द्वारा ही जलवर्षा एकाएक अधिक मात्रा में हो रही है और जलवर्षा होने से कहीं कहीं पर बहुत अधिक मात्रा में जल का भराव देखने को मिलता है तो उस क्षेत्र पर में बाढ़ आ जाती है, अकाल पड़ जाता है एकाएक, तो ऐसी क्रियाएं जन्म लेती हैं। तो इसलिए हमें वनों को तो संरक्षित करना ही चाहिए और हमारे जीवन को सुरक्षित करने के लिए और अधिक मात्रा में पेड़ लगाना चाहिए। प्रत्येक जैसे
5 जून को आपने समझा कि पर्यावरण दिवस था, इसमें लोगों ने वृक्षारोपण किया, और प्रत्येक जन्मदिन पर प्रत्येक हर महीने तो आप पेड़ नहीं लगा पा रहे हैं, परंतु अपने जन्मदिन पर या पर्यावरण दिवस पर वृक्ष लगाना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी कारणवश आपने वृक्ष नहीं लगाया पर्यावरण दिवस पर, तो आने वाले समय में आप कभी न कभी वृक्ष लगाकर, एक वृक्ष नहीं लगा पाए, 2-4 इकट्ठा लगा दीजिए, तो आपका एक जो संकल्प है वो पूरा होता दिखाई देगा। क्योंकि ये वृक्ष हमारे जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण इसीलिए हैं क्योंकि जैसे मनुष्य की जनसंख्या बढ़ती है, उसी तरीके से वातावरण को शुद्धित करने के लिए पेड़ पौधों का होना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए हमें पेड़ों को लगाना अधिक से अधिक ज्यादा माना जाता है। हमारे भारत देश में अगर हम बात करें तो सबसे अधिक मध्य प्रदेश में वनों की प्रजाति देखने को मिलती है, वनीकरण क्षेत्रफल देखने को मिलता है। तो हमारे इस भारत देश में कितना क्षेत्रफल प्रयोग में लिया जाता है, तो आप जानेंगे सबसे अधिक मात्रा में 24.16 कुल हिस्सा देखने को मिलता है, जिसमें आप समझेंगे कि पृथ्वी के जो क्षेत्रफल की बात करें तो उसका 24.16% हिस्सा जो कि 79.42 मिलियन वन हेक्टेयर क्षेत्रफल के हिसाब से देखें उसका प्रयोग में लिया जाता है। इसमें से सघन वन जो आपको देखने को मिलते हैं वह 12.2% है, जिसमें खुला वन आपका 9.14% देखने को मिलता है। मैग्रोव वन जो कि 0.14% है, मैग्रोवन आप समझेंगे कि हमारा पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है, जो ब्रह्मपुत्र तथा गंगा नदी के डेल्टा सुंदरवन डेल्टा पर ही यह उपस्थित है, और इसके एक दोआब के क्षेत्रफल में यह इसका उत्सर्जन देखने को मिलता है। एक जांच के मुताबिक स्टेट ऑफ फॉरेस्ट के अनुसार 2015 में बात की गई कि 3,775 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, यानी इसमें बात करें कि जो हमारा क्षेत्रफल है उसमें वनीकृत नए रूप में किया गया है, नवीनीकृत किया गया है, जिसमें यह 2015 में एक सर्वेक्षण के माध्यम से देखने को मिलता है। आप समझ पाएंगे कि यह पूरा का पूरा जो क्षेत्रफल है इसमें सबसे अधिक मात्रा में यह आपका वनीकरण जो 24.16% देखने को मिला, इसमें वृद्धि होती चली जा रही है, और एक नए सर्वेक्षण को लिया जाए तो 29.6% हमारा भूमि क्षेत्रफल देखने को मिलता है जिसमें वनीकरण किया गया है। भारत देश में कृषि की बात किया जाए तो लगभग 54-55% लोग कृषि कार्य करते हैं। अगर हम रूस की बात करें तो 85% रूस की संख्या है जो लोगों की बात करें वह कृषि पर निर्भर है, और 75% क्षेत्रफल की हम बात करें भारत में तो 75% लोग ऐसे हैं जो कृषि पर निर्भर देखने को मिलते हैं, परंतु उसमें जो खेती बाड़ी के काम करते हैं, जो कृषि का कार्य हमारा क्षेत्रफल में है, वह 54-55% ही देखने को मिलता है। तो हम आपको ये बता रहे थे कि वनों का हमारा उपयोग क्या है और वनों के द्वारा हमारे जीवन में उसका हम कैसे लाभ उठा सकते हैं, वनों के लिए हम क्या चीजें उपयोगी समझ सकते हैं, वनों का हमारे जीवन में क्या अधिक से अधिक उपयोग है, और वनों की रक्षा हम कैसे करें यह भी समझने की बात है। वनों का हाथ तो आप समझ पाए कि पेड़ों की कटाई क्यों हो रही है, जिसमें से औद्योगिकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है कि औद्योगिकरण होने से वनों को काट दिया जा रहा है, अधिक से अधिक जनसंख्या बढ़ने से हमारे भारत देश में जो कि 130 करोड़ से अधिक भी जनसंख्या आने की संभावना है आने वाले समय में, तो 130 तो अभी ही है, आने वाले समय में और हो जाएगी, और अधिक हो जाएगी। तो जनसंख्या की वृद्धि होना और खेती बाड़ी की प्रक्रिया को अधिक जन्म देना, विस्तारित करना या औद्योगिकरण, ये तमाम 2-4 पॉइंट हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं वनों की कटाई में। परंतु कुछ ऐसे क्षेत्रफल भी हैं जहां पर हमें वनीकरण को वृद्धि देखने को मिलती, वनीकरण प्रक्रिया को बढ़ते हुए देखने को मिलता है। तो ये तो हुआ आपका वनीकरण कि वनों की ह्रास होने की गति क्यों बढ़ रही, और दूसरी बात ये देखने को मिली कि वनों को अगर हम संरक्षित करें तो क्या उपाय हो सकते हैं। सबसे पहले जानिए कि हमें वनों को संरक्षित करने के लिए हमें खेतों के किनारे किनारे वृक्षों को लगाना चाहिए, जो सड़कें हैं उनके किनारे किनारे वृक्षों को लगाना चाहिए, जो खुला क्षेत्रफल है वहां पर वृक्षों को लगाना चाहिए, तथा
ऐसे वृक्ष को लगाना चाहिए जिससे हमारी उर्वरक क्षमता बढ़ती जाए, हमारे जो पेड़ पौधे हैं उसमें उर्वरक क्षमता वृद्धि करने वाले पौधे होने चाहिए, जो भूमि को उर्वरक बनाने वाले हो। तो इससे हमारा क्या होगा कि जन्मदिन पर या किसी भी फेस्टिवल पर हम वृक्ष लगाते रहेंगे तो हमारा जो वातावरण तापमान में वृद्धि होने की प्रक्रिया है वह कम होने लगेगी, ग्लेशियर पिघलने में रुकावट आएगी जिससे बहुत अधिक समय तक तापमान में वृद्धि नहीं होगी और यह हमारा जीवन सुखमय व्यतीत होगा, क्योंकि सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्ति निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, ऐसा भारतवर्ष मानने के लिए है। हमारा भारतवर्ष इन चीजों को मानता है जिसमें सभी को सुखी, सभी को निरोगी, सभी को दुख से पीड़ित ना होकर सुखमय देखने की एक क्रिया जन्म लेती है, लोगों के अंदर ऐसी चाह होती है कि लोग सुखी रहें, निरोगी रहें, दुखी ना रहें। तो हमें इन सब क्रियाओं को करते रहना चाहिए। अब बात करते हैं कि वन जीव, इस जैव मंडल में जो वन है उसमें जीव जंतुओं का पारिस्थितिकी तंत्र के अनुसार एक समायोजन है, मिला जुला संगठन है, यानी इस जैव मंडल में जो वन है उस वनों में तमाम प्रकार की प्रजातियां हैं जीव जंतुओं की, जिसमें से कुछ लुप्त होती जा रही हैं, जिन्हें हमें संरक्षित करने की जरूरत है, जिसमें तमाम अनेक टाइगर रिजर्व का निर्माण करना जरूरी है, जिसमें वन विहार की जरूरत है। इस पॉइंट पर अब हम आप चर्चा करेंगे कि हमारे भारत देश में ऐसी कौन सी जातियां हैं जो मूल रूप से वह लुप्त होती जा रही है या संकटग्रस्त जातियां हैं, तो उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि भारत में जो वनस्पतियां हैं वो लगभग 16 लाख वनस्पतियां देखने को मिलती हैं, 16 लाख प्रकार की वनस्पतियां देखने को मिलती हैं, जो आप इस पॉइंट से समझ पा रहे हैं कि 16 लाख वनस्पतियां हमारे भारत देश में जन्म ले चुकी हैं और 16 लाख में से कुछ प्रजातियां नष्ट भी हो चुकी हैं, जिसमें ये भारत देश की बात हो रही है, जिसमें यह विश्व संपूर्ण जैव उपजातियों का 8% है। यह जैव मंडली दृष्टिकोण से देखें तो संपूर्ण विश्व का 8% वनस्पति जातियां हमारे भारत देश में मानी जाती हैं, जिसको हम यह समझ सकते हैं कि 20% स्तनधारीय जीव हैं, जो कि यह 10% वनस्पतियों के साथ भारत में लुप्त होते हुए देखे जाते हैं, कि 10% वन जीव जंतु जो हैं उसमें से 10% वनस्पतियां नष्ट होती जा रही हैं और 20% स्तनधारी जीव भी लुप्त होते जा रहे हैं। स्तनधारी, जैसे व्हेल पूछा जाता है कि विश्व में सबसे बड़ा स्तनधारी जीव कौन सा, तो सबसे बड़ा स्तनधारी जीव व्हेल है और सबसे छोटा छछुंदर है। तो इसमें से स्तनधारी जीवों की कमी देखने को मिल रहा है हमारे भारत देश में और कुछ वनस्पतियां भी लुप्त होती जा रही हैं। और इसमें आप समझें तो कुछ ऐसे जीव भी हैं जो जंगली जानवर के रूप में माने जाते हैं, जिसमें चीता, गुलाबी सिर वाली बतख और पहाड़ी कोयल, जंगली चित्तीदार कोयल, ये ऐसी कुछ जातियां हैं जो अधिक मात्रा में लुप्त होने के कगार पर हैं। अब हम आपको बताएंगे कि कुछ ऐसी जातियां कौन कौन सी हैं जो ज्यादा मात्रा में हमारे भारत देश में उनकी कमी आ रही है। अगर सुबह हम जातियों की बात करें तो नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी डॉल्फिन, ये जीव ऐसे हैं जो जलीय भी हैं और स्थलीय भी हैं, ये लुप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और दुर्लभ जातियों की बात करें तो वह ऐसी जातियां जो दुर्लभ मानी जाती हैं, जैसे हम कह सकते हैं डायनासोर, तो डायनासोर वर्तमान में लुप्त हो गया, इसका एक करोड़ों वर्ष पहले लुप्त हो गया, तो वर्तमान में भी नहीं है तो पूर्व में भी बहुत समय पहले था, जब पृथ्वी का जन्म हुआ उसके कई हजार वर्ष बाद यह देखने को मिला। और कारण यह था कि यह एक ऐसा जीव था जो अपना बहुत विशाल काय माना जाता था, जो अपना भोजन नहीं बना सका, इसीलिए यह लुप्त हो गया, इसको हम दुर्लभ जातियों में मान सकते हैं। और जैसे सफेद पांडा की बात कर लें, यह एक शरद ऋतुओं वाला जीव है परंतु बहुत ही दुर्लभ देखने को मिलता है, यानी काला पांडा या सफेद पांडा या ऐसे तमाम प्रजातियां जो है जो दुर्लभ मानी जाती हैं वह हमारे देश में नहीं देखने को मिलती हैं। डायनासोर और पांडा,
फांदा, ये आपका दुर्लभ जातियों में हम मान सकते हैं। आगे है आपका सुभेद जातियां, समझ पाए होंगे दुर्लभ जातियां, स्थानिक जातियां, ऐसी जातियां जो किसी एक क्षेत्र में, किसी एक ऐसे क्षेत्र में देखने को मिलती हैं जो प्रवासी ना होकर उसी क्षेत्र में उनका जन्म होता है, किसी दूसरे क्षेत्र से ना आकर उसी क्षेत्र में उनका प्रादुर्भाव हुआ हो, तो उनको हम मान लेते हैं कि वो स्थानिक जातियां, जिसमें निकोबारी कबूतर, अंडमानी चील, जंगली सुअर, संकटग्रस्त जातियां या गैंडा, शेर, पूंछ वाली बंदर या ये सब माने जाते हैं। संकटग्रस्त जातियों में भी इसको हम देख सकते हैं। तो ये आपका स्थानिक जातियां हुई, जिसमें निकोबारी कबूतर, अंडमानी चील, जंगली सुअर आदि देखने को मिलता है। आगे हम समझेंगे कि स्थानिक जातियां में चीता, गुलाबी सिर वाली बतख को भी शामिल किया गया है, जो स्थानिक जातियों में इसका मूल माना जाता है। सामान्य जातियों में पशु, सार, चीड़, कृंतक आदि माने जाते हैं। सामान्य जातियां ऐसे सामान्य जातियां जो पशुओं में आते हैं, इसमें गाय, भैंस, बकरी या बैल, ऐसे जीव जो सामान्य जातियों में आते हैं, ये जंगलों में भी देखने को मिलते हैं और शहरों में भी देखने को मिलते हैं, इसको सामान्य जातियों में हम मान सकते हैं। ये आपका, तो ये संकटग्रस्त जातियां आपका जो जिसके ऊपर अधिक से अधिक संकट है कि वो जीव नष्ट होते जा रहे हैं, हो सकता है कि आने समय में उनका जीवन समाप्त हो जाए। इसमें गैंडा है आपका, शेर, पूंछ वाला बंदर, मगरमच्छ आदि, ये ऐसे जीव है जो ज्यादातर नष्ट होने की कगार पर। या चीते की हम बात कर लें तो ऐसे भारत देश में इन जीवों की रक्षा के लिए कई टाइगर रिजर्व बनाए गए हैं। तो उन टाइगर रिजर्वों के बारे में आपको अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कि ऐसे कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं जो किन राज्यों में हैं और उनकी क्या उपयोगिता है, तथा इन जीवों की रक्षा के लिए उन पर क्या एक भार समर्पित किया गया है, जिससे वे इन जीवों की रक्षा कर सकते हैं और उनकी वृद्धि करने में सहायता प्रदान करते हैं। तब तक आप ये समझिए कि हमारा ये जो आज का पाठ्यक्रम रहा वह कक्षा 10 SST के लिए ही रहा, जिसमें आप जियोग्राफी के पर्यावरण के अंतर्गत आपने पढ़ रहे हैं कि वन एवं वन जीव संसाधन, इसमें वन एवं वन जीवों का एक पारिस्थितिकी तंत्र जैसा एक जो मिलाप देखने को मिलता है, एक संगठन देखने को मिलता है, उसके बारे में आप समझे कि जीव जंतुओं का वन के साथ क्या मिला जुला संगठन है और वे जैव मंडल के साथ कैसे उनके साथ जुड़े हुए हैं। इस लेसन से आपका कुछ प्रमुख प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं परीक्षा में, जैसे कि हमारे भारत देश में वन क्षेत्रफल कितना है या उन वनी क्षेत्रफल में कौन कौन से पशु या जीव पाए जाते हैं जो संकटग्रस्त जातियों में आते हैं, या ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कुछ ऐसे टाइगर रिजर्व बताइए जो उनकी सुरक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, या हमारे जीवन में वनों की क्या उपयोगिता है, या हम कैसे उनका संरक्षण कर सकते हैं, ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने पूछे जा सकते हैं। इसलिए इस वीडियो का आप गहनता से अध्ययन करें, इसमें और भी जानकारियां मैं अपने अगले वीडियो के साथ लेकर उपस्थित हूंगा। तब आपका दूसरी वीडियो में लेसन समाप्त होगा। उसके पहले मैं आपसे एक महत्वपूर्ण बात करना चाहूंगा कि जैसे जैसे हमारा लेसन आगे बढ़ेगा, मैं आपको और गहनता के साथ इस पर चर्चाएं करता रहूंगा। जब लेसन समाप्त हो जाएंगे, मैं आपसे क्वेश्चन वाइज, प्रश्न वाइज एक वीडियो क्लिप तैयार करूंगा, जिसमें आप प्रश्नों के माध्यम से समझेंगे सभी लेसनों के बारे में। तब तक आप इसका एक मूलभूत अध्ययन करते रहें, वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, तथा अपने दोस्तों से यह चर्चा करें कि किस तरीके से हम इस वीडियो का अध्ययन करें और कैसे इसको और अधिक मात्रा में शेयर करें। और जो भी आपको इसमें कुछ ना समझ आया हो या कुछ ऐसे पॉइंट हो जो इसमें ऐड ना किए गए हों, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर अपनी बातों को रख सकते हैं, उसमें कमेंट कर सकते हैं। तब तक इस वीडियो का आप अध्ययन करें। जय हिंद, जय भारत।